दिल्ली से गोपाल इटालिया के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। गोपाल इटालिया के आपत्तिजनक बयानों पर यह प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। और तो और गोपाल इटालिया को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय का घेराव तक कर दिया है। अभिषेक, बिल्कुल, तो देखिए इस पे लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और बयानबाजी जो है वो अब चरम पे है। गोपाल इटालिया जो हैं वो इस बयान के बाद पूरी तरीके से फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। और आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने भी उन्हें आज जमकर के घेरा है। कई अहम बातें आज उन्होंने कही हैं। तो स्मृति ईरानी ने भी आज जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। सागर, स्मृति ईरानी ने भी हमला किया है गोपाल इटालिया पे। तो बिल्कुल, लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। कल के दिन से लगातार आप देख रहे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर, केवल इसीलिए कि कैसे आम आदमी पार्टी के गुजरात संयोजक यानी कि गोपाल इटालिया को घेरा जाए। बीजेपी लगातार इस तैयारी में है क्योंकि बीजेपी जानती है कि कैसे विपक्ष को घेरना है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी लगता है कि हमसे डर गई है, इसीलिए लगातार ये आरोप लगा रही है। बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन क्या इसका प्रभाव पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, यह भी देखने वाली बात होगी। अभिषेक, बिल्कुल, तो देखिए लगातार इस बयान को लेकर के सियासत गर्माती जा रही है। और बड़ी बात यह भी है कि गुजरात में चुनाव है और चुनाव की वजह से भी यह सियासी पारा जो है वो पूरी तरीके से हाई होता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि गुजरात चुनाव तो थोड़ा विलंब है उसमें, लेकिन वहां का सियासी पारा किस तरीके से हाई हो रहा है कुछ चीजें आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए विरोध प्रदर्शन की। अब देखिए कौन है आप नेता गोपाल इटालिया, आप गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। बिल्कुल, जून 2020 में आम आदमी पार्टी से जुड़े थे गोपाल इटालिया। इतना ही नहीं, और भी खास बातें आपको बताते हैं कि आखिर कौन है गोपाल इटालिया। पार्टी ने उन्हें पहले उपाध्यक्ष फिर अध्यक्ष बनाया और अब गोपाल इटालिया विवादों में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बयान देकर फंसते नजर आ रहे हैं वर्तमान में गुजरात में पार्टी के सबसे बड़े चेहरे। तो देखिए ये आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है गुजरात में। गोपाल इटालिया पाटीदार आरक्षण आंदोलन का हिस्सा भी रहे, एक मुख्य चेहरा रहे हैं, हार्दिक पटेल के करीबी रह चुके हैं इटालिया। और अब अगर देखा जाए तो लगातार गोपाल इटालिया को लेकर उनको बर्खास्त करने की मांग उठ रही है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की राजनीति से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी से ये जुड़े थे और अब खुद जो है वो विवादों में पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष है फिलहाल, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा जो है वो फिलहाल घिरता हुआ नजर आ रहा है। तो गोपाल इटालिया का जो अगर देखा जाए तो जो बयान सामने आया उसके बाद से ही बीजेपी की तरफ से भी पलटवार लगातार जारी है। स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, आपको सुनाते हैं। गुजरात के ये नेता हिंदू समाज का अपमान करते रहे, मंदिर में महिला की भूमिका पर मर्यादा से परे हटकर टिप्पणियां देते रहे, और अब आम आदमी पार्टी के इस नेता ने प्रधान सेवक की 100 वर्षीय मां का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी से साफ आज कहना चाहती हूं, शब्द कम पड़ते हैं आक्रोश को व्यक्त करने के लिए, लेकिन गुजरात और गुजराती आम आदमी पार्टी को न्याय दिलाएगा और आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनाव में ध्वस्त होगी, ये संकल्प गुजरात और गुजरातियों का है। आज जब मैं गुजरात से यहाँ आया अपना स्टेटमेंट देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, तो मुझे बिना कुछ बताए बिना कुछ कहे सीधा अरेस्ट कर लिया गया, थाने पे बिठा दिया, सुबह से यहाँ बिठा दिया। क्या कसूर है मेरा? मैंने कोई चोरी नहीं किया, लूटपाट नहीं किया, बलात्कार नहीं किया। मुझे क्यों बिठा दिया? क्योंकि मैं एक पाटीदार समाज का युवा हूँ। बीजेपी पार्टी पाटीदारों से नफरत करती है क्योंकि पाटीदार समाज बीजेपी से नाराज है और बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। यही वजह है कि बार बार मुझे टारगेट किया जा रहा है। क्या कसूर है मेरा?
हमने कौन सा खराब काम कर दिया इस देश में जो थाने पे बिठा रहे NCW बुला रहा है। तो देखिए बयानबाजी का दौर जो है वो अपने चरम पर है। स्मृति ईरानी ने यह कहा कि पीएम के मां का अपमान किया गया। वहीं इटालिया ये कह रहे हैं कि पाटीदार समाज को बीजेपी पसंद नहीं करती है, यानी निशाने पर कहीं ना कहीं पाटीदार समाज है और पाटीदार समाज ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था पिछले चुनाव में। चलिए हमारे सहयोगी मनीषा और मेहुल झाला हमारे साथ जोड़ रहे हैं। मनीषा दिल्ली से हमारे साथ हैं और मेहुल झाला हमारे साथ हैं गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहुल, देखिए बयानबाजी तो अपनी जगह चलिए होती रहेगी, सियासत है, चुनाव का वक्त भी है, लेकिन इन सब के बीच क्या ये माना जाए निशाने पर पाटीदार समाज है? बिल्कुल, जिस तरह से मैं बताऊं कि परसों भी गोपाल इटालिया जब NCW के सामने पेश होने जा रहे थे उससे पहले भी उन्होंने यही शब्द दोहराए थे कि मैं पाटीदार समाज का युवा नेता हूं, मेरी उम्र केवल 33 साल है और इतनी कम उम्र में अगर मैं लंबी राजनीतिक सोच रखकर कोई पद हासिल करना चाहता हूं तो पाटीदार समुदाय के कुछ लोग जो हैं और भारतीय जनता पार्टी हैं मुझे रोकने की कोशिश कर रही है, मेरी टांग खिंचाई कर रही है। और ये मैं आपको बताऊं कि केवल वीडियो वॉर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच, क्योंकि ये जो वीडियो सामने आ रहे हैं गोपाल इटालिया के वो 3-4 साल पहले के वीडियो हैं। प्रधानमंत्री मोदी की माताजी हीराबा जो कि शतायु हैं उनके खिलाफ पर जो ये वीडियो आया है वो भी 3-4 साल पुराना वीडियो है। इससे पहले भी एक वीडियो जारी किया गया था। वीडियो पर ही तो ये रहा है मेहुल, अगर बात करें मनीषा भी लगातार अपडेट दे रही है। मनीषा, क्या ये माना जाए वाकई में कि बीजेपी डरी हुई है क्या, जो लगातार आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी? क्योंकि गोपाल इटालिया की अगर हम बात करें तो लगातार बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे थे गुजरात में। सन 2019 के वीडियो पर अगर इस समय माहौल अगर बनाया जाएगा तो फिर सवाल तो पूछे जाएंगे कि आखिर अब क्यों याद आ रही है। मनीषा, बिल्कुल सागर, देखिए साल 2018 और 19 के वीडियो जो है लगातार बीजेपी वायरल कर रही है सोशल मीडिया पर और इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं गोपाल इटालिया और उनकी माताजी के बारे में जो है बहुत ही अभद्र शब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन भी कर रही है, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी ये भी बोल रही है कि बीजेपी पुराने वीडियो जारी करके ये दिखाना चाह रही है कि बीजेपी कितना डरी हुई है, क्योंकि पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी गुजरात की तरफ बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से पूरी ये श्योरिटी दे रहे हैं कि गुजरात में जीत उन्हीं की होगी, गुजरात के लोगों को इस वक्त गुजरात में चेंज चाहिए, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। लेकिन बीजेपी सरकार लगातार ये इल्जाम लगा रही है आम आदमी पार्टी पर कि आम आदमी पार्टी के नेता इस तरीके के अभद्र शब्द का इस्तेमाल करके, अभद्र टिप्पणियां करके ये दिखा रहे हैं कि गुजरात में भी वो पंजाब की ही तरह एक षड्यंत्र रच के जीत हासिल करना चाहते हैं। आज देखिए बीजेपी की महिला मोर्चा ने दिल्ली में प्रचंड प्रदर्शन किया, गोपाल इटालिया को बर्खास्त करने की मांग की और साथ ही उन महिलाओं की ये मांग थी कि हीराबा जो कि नरेंद्र मोदी जी की माताजी हैं उनका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्योंकि हीराबा को वो पूरे हिंदुस्तान की माता बता रही थी और कह रही थी कि इस तरीके की अगर आपत्तिजनक टिप्पणी प्रधानमंत्री की माताजी के लिए की जाएंगी तो देश की हर महिला का अपमान है। देखिए अपमान को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन मेहुल राजेंद्र गौतम को भी नहीं भूला जा सकता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कुछ समय पहले शपथ को लेकर जो मामला सामने आया, और अब गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी की राह कितनी मुश्किल हो रही है अब गुजरात में, क्योंकि एक प्रबल तरीके से, दमदार तरीके से आम आदमी पार्टी ने वहां पर अपने आप को स्थापित किया है, मजबूत विपक्ष के रूप में वहां पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही थी। देखिए 2017 का चुनाव अलग बात थी, हार्दिक पटेल 2015 के हुए पाटीदार अनामत आंदोलन समिति का बहुत बड़ा चेहरा था, वहीं से उभर कर ये राजनीति में इतना बड़ा कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष तक का पद पाया और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। सबसे अहम बात है कि पिछली बार 2017 में जिस कदर से पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के चलते सौराष्ट्र में खासकर खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था, इसीलिए गुजरात गौरव यात्रा में सबसे बड़ा पाटीदार चेहरा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और परसोत्तम रूपाला को गौरव यात्रा की जिम्मेदारी सौराष्ट्र की दी गई है। साथ साथ एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला जाने वाला है 20 अगस्त को, जबकि 20 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट में जनसभा संबोधित करने 19 तारीख को आएंगे तो उस वक्त कोडलधाम समिति जो कि
पाटीदार समुदाय की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। लेउवा पटेल पाटीदार समुदाय संस्थान का वो आस्था का केंद्र है। वहां के मुखिया नरेश पटेल जो कि चेयरमैन है वो पिछले साल राजनीति में आ रहे हैं हो रहा था। उन्होंने तारीफ की थी आम आदमी पार्टी की, पर वो उनकी मंशा थी कांग्रेस में जाए या भारतीय जनता पार्टी में जाए। वो नरेश पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ध्वजारोहण के लिए कोडल धाम जो कि पाटीदार समुदाय की आस्था का केंद्र है वहां पर न्योता दे रहे हैं। देखना होगा कि आखिर कितनी चुनौतियां आती हैं इस राह में। बहुत शुक्रिया मेहुल इस तमाम जानकारी के लिए, और मनीषा बहुत शुक्रिया आपका भी। तो देखिए गुजरात की राह कितनी आसान कितनी मुश्किल है तो समय रहते पता चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी संशय बरकरार है गोपाल इटालिया को लेकर, क्योंकि एक तरफ बर्खास्त करने की मांग उठ रही है गोपाल इटालिया को, तो दूसरी तरफ लगातार आम आदमी पार्टी क्या करेगी, गुजरात में कौन सा चेहरा होगा, ये बड़ा सवाल है।